दोस्तों भाइयों बहनों, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, पता नहीं क्यों पूरे दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, फियरफुल हैं। स्पेशली इंडियन कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा फियरफुल है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप को जो है हिटलर की तरह यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, सबको भगा दिया जाएगा यहाँ से। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, सबसे पहले यूएसए जो है, अमेरिका जो है, इट्स ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट्स ए लैंड ऑफ ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। और अगर आपका पेपर वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत सारे जो H1B के कैंडिडेट हैं वो बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही खौफजदा हैं। अगर आपने किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सर्टिफिकेशन जो आपने यहाँ पेश किया है H1B के लिए, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, तो उनको डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने कोई फ्रॉड किया है, उनको डरने की ज़रूरत है। बट स्पेशली और जो यहाँ पे इस वक्त जो शोर मचा है वो इलीगल इमिग्रेंट के लिए है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग इलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई स्टेटस नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो H1B वीज़ा में थे, उनका स्टेटस ख़त्म हो गया, या यहाँ पे विजिट वीज़ा में आए थे और उनका स्टेटस ख़त्म हो गया, या फिर यानी जैसे डंकी के तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके आए। ये सारे लोग जो है परेशान होंगे, लेकिन आम जनता को इसमें डरने की, भारत के जितने भी लोग हैं उसमें डरने की, परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे आके बहुत सारा क्राइम किए हैं, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी है जो भी इलीगल इमिग्रेंट इस कंट्री में है, अगर उनका कोई क्राइम है वो टॉप प्रायोरिटी है यहाँ से डिपोर्ट होने के लिए। लेकिन बाकी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। आप सब जैसे हो अपना वैसे ही रहो, नो नीड टू अफ्रेड, जस्ट इग्नोर द मीडिया, इग्नोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो यू विल बी ओके। स्पेशली द इंडियन कम्युनिटी, नो नीड टू अफ्रेड, यू विल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।